आखिर कहा है वन पंच मैन का सीजन 3, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में सुना था उस वाले अनाउंसमेंट को आए हुए अभी 5 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। खैर छोड़ो, ये तो अभी की बात है, लेकिन ओपीएम का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है ये तो हमको सालों पहले से ही पता चल रहा था। और उसके बाद में जाके हमको 5 महीने पहले सीजन 3 का एक छोटा सा टीजर देखने को मिला और उसके अंदर हमको पता चला कि सीजन 3 को भी अपना जेसी स्टाफ ही एनिमेट करेगा। और अगर आपको वन पंच मैन की हिस्ट्री पता है तो आपको पता ही होगा कि भाई जब वन पंच मैन का सीजन 2 रिलीज हुआ था तब जेसी स्टाफ को कितना ज्यादा हेट मिला था, क्योंकि ओपीएम के सीजन 1 को मैड हाउस स्टूडियो ने एनिमेट करा था और वहीं पर ही सीजन 2 को जेसी स्टाफ ने एनिमेट करा था। और यहाँ पर अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग स्टूडियो होने की वजह से जेसी स्टाफ ने सीजन 2 के अंदर भाई बहुत सारी गलतियां कर दी थी, जहाँ पर हमको सीजन 1 के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा डिटेलिंग देखने को मिल रही थी और वहीं पर ही सीजन 2 के अंदर कैरेक्टर एकदम से कार्टूनिश लग रहे थे। और यहाँ पर अभी सीजन 3 को भी जेसी स्टाफ ही एनिमेट कर रहा है। अभी इस टाइम पर सीजन 3 का एनिमेशन कैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वन पंच मैन के सीजन 2 को आए हुए 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक हमको वन पंच मैन का सीजन 3 देखने को ही नहीं मिला है। आगे चलकर ओपीएम के मांगा के अंदर कितनी सारी चीजें होने वाली है, लेकिन उसको एनिमेशन के अंदर देखने के लिए पता नहीं भाई कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वन पीस आगे चलकर खत्म भी हो जाएगा, लेकिन हमको वन पंच मैन के गिन चुन के 4-5 सीजन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 साल पहले तो हमको पता चला था कि भाई सीजन 3 को मापा एनिमेट करने वाला है, लेकिन 5 महीने पहले हमको पता चला कि जेसी स्टाफ एनिमेट करने वाला है। और 5 महीने पहले जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद से ही हमको कोई भी न्यू अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर हमको ये तक पता नहीं है कि सीजन 3 की एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या होने वाली है। यहाँ पर बस हमको ये पता है कि सीजन 3 हमको अक्टूबर के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो हमको सीजन 3 का ट्रेलर देखने को मिला था वो रियलिटी में एनिमे के अंदर से नहीं था, वो तो बस एक टाइप से सीजन 3 का काम शुरू हो चुका है ऐसा हमको दिखाने के लिए अलग से बनाया गया था। यहाँ पर हमको रिलीज डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि हमको ये भी नहीं पता है कि सीजन 3 के ऊपर कब से काम चल रहा है या इन लोग ने 5 महीने पहले ही सीजन 3 के ऊपर काम करना शुरू करा है। मानो ना मानो यहाँ पर वन पंच मैन के फैंस होना काफी बड़ी दुख की बात है। हम हर बार देखते हैं कि कोई ना कोई न्यू एनिमे आता है जिसके की कुछ टाइम के अंदर ही 2-3 सीजन रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर वन पंच मैन की मांगा इतनी ज्यादा अच्छी है कि भाई जब भी वन पंच मैन का कोई सीजन रिलीज होगा तो वो हमेशा टॉप में ही रहेगा। यहाँ पर मैं वन पीस को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमको जल्द ही लाइव एक्शन का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है, और इसके साथ ही हमको वन पीस के मांगा के अंदर फाइनली एल्बाब की शुरुआत देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं भाई, हमको एनिमे के अंदर एगेट जैसा आर्क देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर हर वीकली काफी तगड़े वाले एपिसोड आ रहे हैं, और आगे चलकर हमको कुछ टाइम के अंदर ही वन पीस का रीमेक भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक जगह पर वन पीस फैन होके खुश हूँ और दूसरी जगह पे वन पंच मैन का बस वेट ही चल रहा है। यहाँ पर अभी तो बस नेक्स्ट अनाउंसमेंट का ही वेट कर सकते हैं जिसके अंदर ही हमको पता चलेगा कि एनिमे की रिलीज डेट क्या होने वाली है और एनिमे प्रोडक्शन का काम कहाँ तक हो चुका है। इसके बीच में मैं ऑलरेडी वन पंच मैन 4-5 बार देख चुका हूँ और तीसरा सीजन आने तक रिकैप के लिए और 2-3 बार देख लूंगा। यहाँ पर वन पंच मैन की मांगा तो लेट आती ही है और एनिमे तो भाई बहुत टाइम से आया ही नहीं है। तो होपफुली गाइस आपको आज का यह वीडियो पसंद आ गया होगा, तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।